अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। और उनकी वालदा से बात की, मुलाकात की। हालात इंतहाई जो है पसमानदा हैं, गरीबी बे इंतहा, गुरबत का आलम है। और ऐसे हालात में, ऐसी गरीबी में उनकी बेटी के साथ इस वाक़े का पेश आ जाना, ये उनके घर वालों के लिए बहुत ही बड़ा सानहा है। हम इस गम में उनके घर वालों के साथ हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि जमीयतुल्मा हर तरीक़े से उनके साथ है। यहाँ आने के बाद हालात का इल्म हुआ, मामले की तहकीक की गई। इस मामले में MLA साहब ने भी जो किरदार अदा किया है, जो गिरफ़्तारी अमल में आई है, जो FIR हुई है, और मुस्तकिल आयशा मैडम भी इस फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं। और हर माहाना उनकी जो भी अपनी जो है तरीक़े से वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, वो अमल भी काबिल क़दर है। इस मौके पर हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसी गरीबी के आलम में सबसे पहले तो इनके लिए घर का इंतज़ाम किया जाए। घर भी कोई ख़ास रहने के काबिल नहीं है और मुस्तकिल तौर पर इस बच्ची के साथ कोई ऐसा माशी सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, ताकि ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और यहाँ जो इस किस्म का वाकया पेश आया है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कानूनी तौर पर जो भी हमारी जो ज़रूरत हो सकती है, हम हर तरीके से उस ज़रूरत में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, वकील खड़ा करने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जो भी इनकी मदद होगी जमीयतुल्मा की तरफ से हम लोग करेंगे। इस मौके पर इस वाक़े की अब तक जो MLA साहब ने भी निगरानी की है, हम उसकी भी बहरहाल सताइश करते हैं और मज़ीद मुतालबा करते हैं कि MLA साहब इस मामले को अंजाम तक देखें। और इस मामले में अगर हमारी कोई ज़रूरत है इस फैमिली की मदद के लिए, हम तैयार हैं, ताकि खाती को और गुनाहगार को, मुजरिम को बराबर सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। हम इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें।